नमस्ते, मेरा नाम है अभिषेक। और भारत भ्रमण के हम कुछ कहानियों को कवर कर रहे थे, कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स जो हमारे देश में चल रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। और अभी जो मेरा पूरा अप्रैल के एंड से लेके जुलाई के जून के फर्स्ट वीक तक का था, बड़ा बिजी शेड्यूल था। झारखंड, बिहार, कानपुर, बरेली, बदायूं, नागालैंड, नालंदा, बहुत सारे जगहों पर मुझे जाना पड़ा, इसलिए वीडियो आपको नहीं मिल पाए। तो फिर से रिज्यूम करते हैं सीरीज को, भारत भ्रमण की कहानियां। और इसमें आज जिस मैं इनिशिएटिव के बारे में बात करने जा रहा हूँ, उसका नाम है परिवर्तन। कानपुर के पनकी रीजन में, इंडस्ट्रियल रीजन में ये इनिशिएटिव चल रहा है। और परिवर्तन नाम से देश भर में बहुत सारे अलग अलग इनिशिएटिव चल रहे हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा परिवर्तन। तो ये एक अलग एनजीओ है जो कानपुर के इंडस्ट्रियल एरिया, पनकी एरिया में काम कर रहा है। गणेश सर का इसमें अहम योगदान होने के द्वारा ये शुरू किया गया है। और कहानी कुछ ऐसी है कि वो एक दिन एक पार्क में टहल रहे थे। इंडस्ट्रियल एरिया था तो सब मजदूर वगैरह पार्क के आसपास झुग्गी झोपड़ियां बना के रहते हैं, और वो तो काम पे चले गए हस्बैंड वाइफ दोनों। और बच्चे क्या करते हैं, पार्क में आके दिन भर खेलते रहते हैं। तो वो एक ऐसे ही पार्क में टहल रहे थे जब उन्होंने देखा कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे के मारा और उसके कान से खून निकलने लग गया। तो उनको वहां पे ये रियलाइज हुआ कि इन बच्चों के अंदर मतलब एनर्जी तो बहुत है, पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन ये उसको गलत जगह पे यूज कर रहे हैं। तो उन्होंने उन बच्चों से कहा कि ठीक है, आओ संडे को और कुछ मस्ती करते हैं, कुछ बातचीत करते हैं। तो उस तरीके से वहां से वो जर्नी स्टार्ट हुई कि वो संडे संडे से बातचीत करने के लिए बच्चों को बुलाने लगे। फिर बच्चों से पूछा कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। उन्होंने क्या किया, और ये कॉन्सेप्ट इसलिए थोड़ा सा अलग है कि उन्होंने बच्चों को खेल की तरफ प्रोत्साहित किया। बाकी जनरली लोग क्या करते हैं कि ठीक है, उनको पढ़ाने लगते हैं, उनको स्कूल में एडमिशन कर देते हैं या रेगुलर क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं। उन्होंने थोड़ा सा अलग किया कि उन्होंने उनको खेल की तरफ भेजा। खेल की तरफ भेजने का उनका कॉन्सेप्ट ये था कि ये अगर बच्चे जो हैं 7 साल के, 8 साल के हैं, या अपनी अगर 4-5 साल जम के किसी एक पर्टिकुलर खेल अदर देन क्रिकेट एंड हॉकी अगर ये मेहनत करते हैं, तो क्या होगा कि खेल में इनके पास बहुत ज्यादा स्कोप है। मतलब किसी भी क्रिकेट और हॉकी को छोड़ किसी भी स्केल किसी भी खेल के नेशनल लेवल और स्टेट लेवल की टीम में सेलेक्ट होना थोड़ा सा आसान है, कंपैरेटिवली इजी है। और अगर कोई बच्चा किसी स्टेट लेवल या नेशनल लेवल की टीम में सेलेक्ट हो जाता है, तो क्या होगा कि उसको मतलब स्पोर्ट्स कोटे से गवर्नमेंट नौकरी मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। तो एक तरफ ये बच्चा है जो 4-5 साल खेलेगा, 14-15 साल की उम्र में इसके चांसेस बहुत हाई होंगे कि स्टेट लेवल या नेशनल लेवल की टीम में खेल ले, और उसके बाद खेल तो खेलेगा ही लेकिन उसको गवर्नमेंट जॉब भी पाने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होंगे। और दूसरी तरफ एक बच्चा है जो 18, 20, 21 साल तक ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करता है, 12वीं, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, या नहीं करता है तो फिर 2 साल 3 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है, और फिर इतने ज्यादा कॉम्पिटिशन में के बीच में गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम में बैठता है और क्वालिफाई करता है या नहीं करता है। तो वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन स्पोर्ट्स कोटे से गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए कंपटीशन इतना ज्यादा हाई नहीं है और कंपैरेटिवली इजी है। ठीक है, बेनिफिट्स क्या हैं? अब बेनिफिट्स ये है कि अगर यहाँ जो बच्चा है वो अपने अगर वो खेल के लिए बहुत ज्यादा कमिटेड है, तो पहली बात तो वो नशा नहीं करेगा, सिगरेट, जुआ, शराब, इन सब की तरफ नहीं जाएगा, जो व्यसन होता है उनकी तरफ नहीं जाएगा। तो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ वो बढ़ेगा, जो कि इस जो कम्युनिटी है उसमें बहुत ज्यादा होता है कि बच्चे बहुत ज्यादा बहक जाते हैं, बहुत जल्दी गलत रास्तों पे चले जाते हैं, तो खेल की वजह से उस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। इसके बाद ये है कि अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, तो गवर्नमेंट जॉब लग जाने से ना सिर्फ उस बच्चे की फैमिली का बल्कि उस पूरी कम्युनिटी का जो स्तर है वो एक सडन चेंज आएगा मेंटालिटी के लेवल पे। और तीसरा कि इस खेल खेलने से बच्चा फिट तो रहेगा ही, लेकिन इसको गवर्नमेंट जॉब पाने के चांसेस भी हाई होंगे, बेटर होंगे, और प्लस स्टेट या नेशनल लेवल की टीम में भी वो कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां से उनका कॉन्सेप्ट आया, उन्होंने 13 बच्चों से शुरुआत किया। आज की डेट में 2019 में उनके पास 300+ बच्चे हैं जो उस पर पार्क बहुत बड़ा है, तो उस बड़े से पार्क में आके वो गेम्स खेल रहे हैं, अलग अलग गेम्स खेलते हैं। और अब उनकी पढ़ाई की भी जिम्मेदारी, वहां के जो कुछ इंडस्ट्रीज हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, उन्होंने एक कमरा दे दिया कि ठीक है, यहाँ पे हम इनको कंप्यूटर सिखाएंगे, किसी ने कमरा दे दिया कि हम यहाँ पे इनको पढ़ाएंगे, लाइब्रेरी बन गई। तो ना सिर्फ वो खेल रहे हैं, अब वो पढ़ भी रहे हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अभी उनके 3 बच्चे नेशनल लेवल की वॉलीबॉल टीम में भी सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो नेशनल लेवल की वॉलीबॉल टीम में सेलेक्ट होने से उनका जो स्तर है
उनका जो एक बाकी बच्चों में जो मोटिवेशन आया है वो बहुत ज्यादा हाई आया है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, आप हर जगह पे अगर सोचेंगे कि यही मॉडल अप्लाई करें तो नहीं हो सकता है। तो अपनी आसपास की कंडीशंस को भी देखिए कि क्या करना पॉसिबल है, वहां क्या बेस्ट सुटेबल है, कैसे करने से यहाँ बेनिफिट ज्यादा है। सबसे पहली बात, कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम अवेलेबल है, इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम अवेलेबल है, वहां पे ढेर सारे स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज होती रहती हैं। तो ये जो बच्चे यहाँ पे पार्क में सीखते हैं वो वहां पे जाके कम्पीट करते हैं और फिर उनको एक एक्सपोजर बढ़िया मिलता है, क्योंकि आस बहुत पास में है, वहां से जो लोग हैं वहां बच्चों को आके विजिट करते रहते हैं एक वॉलंटरी तरीके से और बच्चों को टिप्स देते रहते हैं। तो बहुत सारी फैसिलिटीज, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। गणेश भैया ने बस उसको शुरुआत किया, जो वो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है शुरू करना और उसको कंटिन्यू करना, वो उन्होंने किया। लोग जुड़ते गए और अभी बच्चों को संडे संडे के टाइम पे कुछ अलग खाना भी बन के मिल जाता है, तो बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ती चली गई। उन्होंने पेड़ ऐसे लगाए जिससे फल मिले, अमरूद मिले, आम मिले। तो अभी क्या होता है कि बच्चे उस पार्क में, जो बिल्कुल खाली पार्क था, एक शो का पार्क था, वहां पे बच्चे को थोड़ी सी जो पौष्टिकता की जरूरत होती है वो उन्हीं पेड़ों से मिल जाती है। तो अपने आसपास की कंडीशंस को भी एक बार एवेल्युएट करने की जरूरत है। आप ये मत सोचिए कि ये वहां एप्लीकेबल हो गया तो हर जगह चलो एप्लीकेबल करते हैं, लेकिन हाँ एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि खेल के थ्रू भी हम एक चेंज ला सकते हैं, जो कि मैंने इस एनजीओ परिवर्तन एनजीओ के थ्रू देखा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी इनिशिएटिव के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।